बाड़मेर जिले में शनिवार को एक मासूम बच्ची का पैर फिसलने से टाके में गिरने से मौत की दुखद घटना सामने आई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मोर्चे में रखवाया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर शव परिजनों को सुपुर्द किया। दरअसल जिले के सदर थाना क्षेत्र के रामदेरिया गांव में बकरियों को पानी पिला रही बच्ची का पैर फिसलने से टाके में गिरकर डूबने से मौत हो गई। सदर थाना के हेड कांस्टेबल दुर्ग सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्मा पुत्र दिलीप कुमार उम्र 13 वर्ष जाति मेघवाल अपने घर के पास बने टाके में से पानी निकाल रही थी। इस दौरान पैर फिसलने से टाके में अंदर गिर गई। घटना के बाद परिजन ने बच्ची को टाके से बाहर निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पास में टेलीफोन से सूचना मिली थी कि निर्मा डॉटर ऑफ दिलीप कुमार दत्त मेघवाल उम्र 13 साल निवासी रामदेरिया दो दिन में दिन के करीबन 11:30 बजे अपने घर के पास बने पानी के टांका पर अपनी बकरियों को पानी पिला रही। इस दौरान उसका पांव फिसलने से टांका में गिर गई और पानी के में डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर उसके वारिसान उसके लेकर गए बाड़मेर हॉस्पिटल लेकर आए थे और डॉक्टर साहब चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया है। उसकी डेड बॉडी अभी मोर्चे में रखी हुई है और रिपोर्ट घर वाले दे रहे हैं। घटना की सूचना के बाद सदर थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, जहां शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मर्ग दर्ज कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।